नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। गांव रधावा में चल रही फैक्ट्रियां बंद करवाने की मांग, फैक्ट्रियों में जलाई जा रही टायरों की रबड़, खेतों में फसलें भी प्रदूषित हो रही हैं, बच्चों में पड़ रही छाती संबंधी बीमारियां, रबर के अवशेषों को जला करके यहां खाद बनाई जाती है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की मिलीभगत से नहीं हो पा रही यहां पर कोई कार्रवाई। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। सिरसा के साथ लगते गांव रधावा में चल रही फैक्ट्रियों के फैले प्रदूषण के कारण ग्रामीण रोषित हैं। इन फैक्ट्रियों में आए दिन नियमों को ताक पर रख के यहां पर रबड़ जलाई जाती है, जिससे होने वाले प्रदूषण के कारण खेतों में फसलें भी प्रभावित हो रही है, जो ग्रामीणों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी को लेकर के आज ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे और फैक्ट्रियां बंद करवाने की मांग की। इसके लिए SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए फैक्ट्रियां बंद करवाने की मांग की है। ग्रामीण विकल्प बाजार ने कहा कि गांव रधावा क्षेत्र में 4 फैक्ट्रियां एग्रोफीड के नाम से लगाई गई हैं। इन फैक्ट्रियों में अब टायरों की रबड़ जला करके खाद बनाई जाती है। रबड़ जलने से होने वाले प्रदूषण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें भी काली पड़ रही हैं और पैदावार प्रभावित हो रही हैं। फैक्ट्रियों के प्रदूषण के कारण बच्चों व ग्रामीणों की सेहत भी खराब हो रही है और उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्र में चल रही इस तरह की अवैध फैक्ट्रियों को बंद करवाने की मांग की है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा में पोल्यूशन बोर्ड की एक बहुत बड़ी धांधली चल रही है। गांवों की जनसंख्या जहां पर है वहां पर लोग फीड के नाम पर फैक्ट्री की परमिशन लेके आते हैं, उसके बाद वहां पर फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जो कि प्राकृतिक रबड़ जो विदेशों से आयात होता है उसको जलाने के रूप में वो ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। जब उसका ईंधन का आप एक पॉलीथीन भी जलाओगे तो उस पॉलीथीन से स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। इन फैक्ट्रियों के अंदर लाखों टन की मात्रा में रबड़ के टुकड़े जलाए जाते हैं जिससे कि ये ऑर्गेनिक खाद वगैरह कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, लेकिन वो उन व्यापारियों के लिए तो प्रॉफिटेबल है। जैसे आप माधुसियाणा का उदाहरण देखें, रामपुरा बगड़िया में ये 2 फैक्ट्रियां हमने बंद करवाई, यहाँ पर लगभग कैंसर के मरीजों की संख्या 100 होगी। आज का जो मामला है रंधावा गांव सरसा के नजदीक है, जहां पर की 3 एग्रोटेक की फैक्ट्रियां लगी हुई है। 2.5 साल से ये फैक्ट्रियां लगी, वहां के नजदीक जितनी भी फसलें हैं वो फसलें काली हो जाती है, कोई भी फसल वहां पर पैदा नहीं होती। प्लस में गांव के बच्चों की जब हमने स्वास्थ्य जांच कराई तो 150 बच्चे छाती के रोग से पीड़ित पाए गए, यानी कि जो उनके विकास की उम्र है, जिस उम्र में बच्चा विकास करता है उस उम्र में यदि इन रोगों से ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार इन गांवों में कैंसर के मामले अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार से और पोल्यूशन बोर्ड से मांग है कि आप इन फैक्ट्रियों की जांच करके जो ये अवैध असला ये जला रहे हैं इसको सीज कीजिए फैक्ट्रियों को, और इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बन सके, क्योंकि जब तक किसी को सजा नहीं होगी ये लोग एक गांव से दूसरे गांव तक विस्थापित होते रहेंगे। एक गांव से बीमारी हटेगी तो दूसरे गांव में ये बीमारी लगाने का काम करेंगे। तो जहां पूरे देश में कहीं भी रबड़ को जलाने की इजाजत नहीं है, हरियाणा में इन फैक्ट्रियों की भरमार है, चाहे वो हिसार जिला हो, चाहे वो सरसा जिला हो, चाहे वो रोहतक जिला हो। और ये फैक्ट्रियां ग्रामीण क्षेत्रों में आपको अधिक मात्रा में मिलेगी, क्योंकि वहां पर चेकिंग नहीं हो पाती, ना वहां का नागरिक जागरूक है। तो इसी मामले को लेकर आज जिले के ग्रामीण हमारे पास आए हुए हैं और इन फैक्ट्रियों को सील लगाने की और इनको बंद कराने की हमारी मांग है।